वापस स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह इस शो आपके लिए हमने डिज़ाइन किया डेरिवेटिव्स के कुछ बेहतरीन ट्रेड्स के लिए। इसके अंदर हम दो हिस्सों में आपके सामने काम करते हैं। पहला हिस्सा यह है कि एक तो इंडेक्स का व्यू पॉइंट आपके सामने रखते हैं, इंडेक्स में कोई ट्रेड होता है तो आपके सामने रखते हैं, ऑप्शंस का कोई ट्रेड बनता है तो वो आपके सामने रखते हैं। फिर दूसरा स्टॉक्स पे आते हैं। स्टॉक्स को हमने मोटा मोटी दो हिस्सों में या कहें तो चार हिस्सों में बांटा हुआ है। दो हिस्से तेज़ी के हैं जिसमें हम लॉन्ग और साथ ही शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स पकड़ते हैं। दूसरा जो मंदी वाला सेगमेंट है उसमें शॉर्ट और अनवाइंडिंग के शेयर्स मेहमानों के सामने रखते हैं। ये डाटा के स्टडी पर हम चार चार सेगमेंट चार चार शेयर लेके आते हैं एक एक सेगमेंट से, मतलब कुल मिला के तेज़ी के चार और मंदी के चार शेयर। आठ शेयरों में से चुनाव करते हैं। अमूमन गेस्ट या तो दो शेयर, तीन शेयर, चार शेयर, पाँच शेयर हमारे छांट के दे देगा आपको ट्रेड करने के लिए। फिर दो शेयर उनके होते हैं तो अगर मैक्सिमम जाएगा तो सात शेयर आपको इस कार्यक्रम से मिलते हैं। फिर हमने आपको पूरी फ्रीडम दे रखी है कि आप चाहें तो उसमें से दो शेयर, तीन शेयर, पाँच शेयर, आठ शेयर, जितना मर्जी ट्रेड करना चाहें आप ट्रेड देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई बार मेहमान काफ़ी रिजिड होता है, मार्केट कंडीशन ऐसी होती हैं कि आपको तीन ही ट्रेड हमारे पूछे हुए शेयरों में से निकलते हैं। दो शेयर मेहमानों ने आपको दिए अपने आप से तो पाँच शेयर हो गए। पाँच में से आप तीन शेयर भी अपने पास रख लेते हो तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आता है। देखिए, हमारा बताना हमारा कहना अलग बात है, आपकी कन्विक्शन का होना अलग बात है। अगर आप भी उस चीज़ से इम्प्रेस्ड हैं, आपको भी लग रहा है कि नहीं ये बात ठीक कही जा रही है, शेयर मेरे को भी ठीक लग रहा है, डाटा भी ठीक लग रहा है, तो फिर बात बन सकती है, तो आप इसका बेनिफिट उठाइए। इसी तरह का पूरे शो को हमने डिज़ाइन किया हुआ है और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम सारी चीज़ें रखते हैं। यस्टरडे यानी कि जब नया कार्यक्रम शुरू करते हैं उससे पहले का एक दिन का रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखते हैं। तो कल हमारे मेहमान थे अजीत मिश्रा, उनका रिपोर्ट कार्ड, फिर आज के मेहमान से करेंगे बातचीत जो कि हैं प्रशांत सावंत। कल देखिए बैंक निफ्टी के 52,000 रुपये की कॉल के बारे में जिक्र हुआ था। 51,500 की कॉल तो मैंने ही बताई थी, 52,500 की कॉल फिर सर ने बताई। 145 का रेट डाला था, 60 रुपये का स्टॉप लॉस था, 240 रुपये का टारगेट था, मेरे को तो लेवल्स भी याद हैं। उसमें 60% का गेन आया, 60% का हाई बना है 215 का। इसके अंदर 240 रुपये तक का हमारा टारगेट था मोटा मोटी, ठीक है, 238 या 248 ऐसे कुछ नंबर था। तो 215 का हाई बना, मैं मानता हूँ 200 पे भी आपने काटा है। खरीद रेट लेने के बाद ऑप्शंस का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? जो रेट ले लिया, मान लो रेट आपके प्राइस से थोड़ा ऊपर आ गया, एग्जांपल के लिए बताता हूँ, सामने 145 की कॉल है, ये 165 होगी, 175 होगी, अपने रेट का स्टॉप लॉस डाल दो, सौदा कन्फर्म, घाटा नहीं होगा, तय हो गया ये। अब या तो हम प्रॉफिट लेके काटेंगे या तो रेट टू रेट काटेंगे, लॉस नहीं होगा। तो यही तो आप चाहते हो ना कि आपका लॉस ना हो, या तो आपको फ्लैट टू फ्लैट रखा जाए तो गेन हो। ये कौन ऐसे लोग हैं जो सिचुएशन नहीं चाहते होंगे, सभी लोग ऐसे सिचुएशन चाहते हैं, ठीक। तो आपके लिए ये ट्रेड थोड़ा ऐसे आपको करना चाहिए। तो 215 का हाई लगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 200 तक सभी ने काटा होगा, तो 60% का गेन कैलकुलेशन है। ONGC बेचने के रिकमेंडेशन, आज भी गैप डाउन खुला, 3% का गेन, कल जी जिस शो से बताया वहाँ से टूटा, कल का भाव लिखा हुआ है। कोलगेट बेचने के रिकमेंडेशन थी 2% वहाँ से, स्टॉक से 5%, इंडेक्स ऑप्शन से 60%। मैं ऑप्शंस को तो जैकपॉट समझता हूँ। कोलगेट और ONGC जो बेचने के रिकमेंडेशन है 5% में से सिर्फ 1.5% से 2% आप ठीक मानो, हो सकता है आपसे ना लिया गया हो, क्वांटिटी नहीं ली गई हो, जल्दी काट दिया हो, XYZ 100 चीज़ें हो सकती हैं बीच में आपके साथ भी, मैंने मान लिया, ठीक। तो फिर भी 1.5 से 2% कम नहीं होता पर डे की कैलकुलेशन के हिसाब से। अब जरा आज के मेहमान से बातचीत करने का वक्त आ गया। पहले जरा निफ्टी दिखाइए। आज निफ्टी का हाई जो बना था 212 का, इस सुबह पहले के ही एक मिनट के अंदर बन गया था। उसके बाद से निफ्टी ने 212 दिन भर में नहीं टूटा, और सुबह हमने आपके सामने ये बात बता रखी थी कि भाई 25,200 जब तक मार्केट पार नहीं करेगा तब तक चलेगा नहीं। ये बात हमने आपको तब भी बताई थी जब मार्केट गैप के साथ ओपन कर रहा था कि देखिए मार्केट रेजिस्टेंस के दरवाजे पे ही ओपन कर रहा है, इसको पार करने के लिए हिम्मत दिखानी होगी, हिम्मत नहीं हुई तो बाज़ार नीचे भी आएगा। एग्जैक्टली वही हुआ है। 25,212 का जो पहले मिनट में हाई बना, फर्स्ट मिनट के अंदर हाई बना, उसके बाद दिन भर में नहीं बना, और बाज़ार धीरे 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 करते हुए अपनी सारी बढ़त को खो के 50 पॉइंट लाल निशान में है। देखिए विक्स इतना कमज़ोर हुआ हुआ है, यानी कि कमज़ोर इन द सेंस, यानी कि इतना ठंडा हो चुका है। अभी देखो 12.5-13 का विक्स चल रहा है, 13 के आसपास का, 13 का विक्स 100 पॉइंट से ज़्यादा के मूवमेंट ही नहीं देगा निफ्टी पर, और 100 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है ऑलमोस्ट आपके सामने, ठीक। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर, सेम विद बैंक निफ्टी था।
ये 52,000 के बिल्कुल दरवाजे पे खुला। इसका आज का मैं ओपन का प्राइस बताता हूँ 51,975, हाई बना 52,022 का, यानी कि खुलने के बाद सिर्फ 25 पॉइंट और ऊपर गया जो शुरुआती हाई था, उसके बाद ये वापस नहीं दिखाया उसने, ये भी नीचे आ गया, ये भी कमज़ोर हुआ। कहने का मेरे मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो कल का फ्लेवर था वो आज उसी हिसाब से फ्लेवर नहीं है, क्योंकि कल काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई 2-2% के आसपास की दोनों ही इंडाइसिस में। तो आपको देख के चलना है, सुबह भी हमने कहा था आपसे, पॉइंट रखा भी था, आप अगर नहीं हो तो आप वीडियो जरा चेक करना हमारा, कि हम 25,000 पे खड़े हैं, हमको 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर के स्विंग से भी हम बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि हमको क्लोजिंग नहीं मिली है 25,200 की। जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये डर भय हल्का हल्का मार्केट के अंदर बना रहेगा। प्रशांत सावंत से अब जुड़ते हैं, जरा उनसे उनकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं, इंडेक्स पे वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, स्टॉक्स की बातचीत करेंगे। प्रशांत सर नमस्ते, जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक। जी रिम्पी जी, गुड आफ्टरनून, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जैसे कल सुबह के शो में बात हुई थी और मैं कह रहा था कि जब तक हम, जो आपने बिल्कुल अभी कहा वही जो सुबह हमने डिस्कस किया ना, 25,200 के ऊपर क्लोज ना हो स्पॉट में, तब तक कन्विक्शन आ नहीं रहा है इंडेक्स में, और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी वैसे ही लग रहा था कि कन्विक्शन नहीं आ रहा है। हालांकि 2-3 दिनों तक HDFC बैंक ने काफी अच्छा सपोर्ट किया था, बट ओवरऑल अब क्या करना चाहिए, तो मैंने ये कहा था कल कि अगर आपके पास लॉन्ग्स हो तो आप करीबन 25,070-80 ये स्पॉट का स्टॉप लॉस करके ट्रेल करो, तो मेरे हिसाब से वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए रहेंगे आपके। अगर आप लॉन्ग थे तो जो भी आइदर एट कॉस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपका बुक हुआ होगा, बट यहाँ पे अब मेरा इंडेक्स पे निफ्टी पे राय होगी कि सेम जब तक हम 25,200 के ऊपर क्लोज ना हो ना ही लॉन्ग इनिशिएट करें, और शॉर्ट कहाँ करना होगा 24,950, 24,950, तो हम बीचों बीच है इस रेंज के, तो ये नो ट्रेड जोन होगा स्ट्रिक्टली मेरे हिसाब से। और जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं निफ्टी के लिए रिलायंस और बैंक निफ्टी के लिए HDFC बैंक, ये दोनों ही अहम कॉन्ट्रीब्यूटर है, तो यहाँ पे नजर रखनी होगी। रिलायंस काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है और HDFC बैंक भी आज के हिसाब से काफी स्लगिश है, तो मुझे लग रहा है निफ्टी पे अवॉइड का अवॉइड की राय होगी मेरी करंट प्राइस पे, और अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी राय। बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी पे भी राय दीजिए। तो डिम्पी जी, बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो आपको एक गैप जो नजर आ रही थी स्पॉट में वो थी करीबन 51,850 से लेके ऑलमोस्ट 51,400-450 के आसपास, यानी 400 पॉइंट की गैप थी जहां हमने रैली की, आज हम बिल्कुल वहीं पे अटके हैं। तो पहला काम आपको करना है, अगर आपको एक अच्छी लॉन्ग ट्रेड मिली हो, आपने अगर लॉन्ग लिया हो और आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग हो, तो सबसे पहले आपका जो स्टॉप लॉस है वो आज का जो लो बना है उसके नीचे रख दीजिए, यानी आपका स्टॉप लॉस 51,650 स्पॉट सिस्टम में होना चाहिए अगर आप लॉन्ग हो तो। और अगर आपके पास कोई भी ट्रेड नहीं है तो आप फिलहाल यहाँ पे भी अवॉइड की सलाह होगी आपको, यहाँ पे रणनीति क्या रखनी होगी, रणनीति बहुत सिंपल है, 51,500 स्पॉट में ब्रेक हो जाए 51,500, 30-40 पॉइंट नीचे पकड़े 51,450-460, तो यहाँ पे हम शॉर्ट का नजरिया बना सकते हैं। और लॉन्ग जाने के लिए आप कंफर्टेबली अभी फिलहाल 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस होने के लिए वेट कीजिए, उसके पहले जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, हो सकता है इसके ऊपर एक अच्छी ट्रेड मिले, बट जब तक ये क्रॉस ना हो ओवरनाइट लॉन्ग्स टोटली अवॉइड करने चाहिए बैंक निफ्टी में। और आप कोई ट्रेड ना रखें इंडेक्स में तो भी चलेगा, स्टॉक स्पेसिफिक आपको लॉन्ग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। ये मैं इसलिए स्पेसिफिकली कह रहा हूँ क्योंकि काफी बार हम कंपल्सिव ट्रेड करते हैं स्पेशली ऑप्शन में, बट यहाँ पे मुझे वो कोई भी अपॉर्चुनिटी नजर नहीं है, तो कंपल्सिव ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है, दोनों इंडेक्सेस से बाहर रहिए। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस मैंने दिए वो आप फॉलो कर सकते हो, और राइट लेवल ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के लिए वेट करना एक बेहतर स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो मोटा मोटी या तो आप अवॉइड कर लो, थोड़ा रुक जाओ, अभी हम इस जंक्शन में है कि ऊपर नीचे दोनों तरफ कर सकते हैं, इसलिए जंक्शन के लिए अवॉइड करना सबसे बेहतर है। अगर हाँ है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रहो, नया पोजीशन बनाने से भी थोड़ा बचना चाहिए। 25,200 की क्लोजिंग मस्ट है निफ्टी को चलने के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए भी मोटा मोटी यही रिकमेंडेशन सामने आ रही है जितना हमको समझ में आया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, दोनों शेयर हैं, पहला है GCPL और दूसरा है BPCL। प्रशांत जी दोनों शेयर चेक कर लो, गोदरेज कंज्यूमर्स और भारत पेट्रोलियम BPCL, जरा जल्दी जल्दी बताइएगा, शेयर बहुत है। डिम्पी जी, गोदरेज कंज्यूमर्स पे डेफिनेटली मेरी आउटराइट बाय की सलाह होगी, 200 दिनों के एवरेज पे अच्छा सपोर्ट लिया है, वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस है, तो बिल्कुल यहाँ लॉन्ग जाया जा सकता है, कन्विक्शन आएगा अगर 1,350 क्रॉस हो, बट आप प्रीएम कर सकते हो, और मेरे हिसाब से आज का डे लो आइडियल स्टॉप लॉस है 1,315, बट कोई छोटा रखना चाहे 1,324 तक भी रख सकता है,
और आपका जो टारगेट होगा पुल बैक के हिसाब से करीबन 1385 1380 1385 1380 ये होना चाहिए। और जहां तक नेक्स्ट वीक बीपीसीएल, मैं इसको ड्रॉप करूंगा क्लियर कट, क्योंकि ये पुल बैक जो आ रहा है यहाँ पे गैप रेजिस्टेंस है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं रेजिस्टेंस के पास खरीदारी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं इसको अवॉइड करूंगा। बीपीसीएल ड्रॉप है, जीएसपीएल पास हो गया, सामने आपके स्टॉप लॉस टारगेट आ गया। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर हैं सर, एक एमजीएल है और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक है, जरा जल्दी से चेक करके बता दीजिए कहाँ पे सौदा है। एमजीएल, आईसीआईसीआई बैंक। तो डिम्पी जी यहाँ पे मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा बैंक निफ्टी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और मैं अगर दोनों में चुनना चाहूँ तो फिलहाल एमजीएल चुनूंगा, इसलिए क्योंकि एक अहम सपोर्ट पे है, ये सपोर्ट से काफी बार रेंज का निचला लेवल है, रिस्क कम है, हम ऑलमोस्ट 1820 1830 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और जो स्टॉप लॉस होगा वो ऑलमोस्ट 1805 के नीचे रख के हम लॉन्ग जा सकते हैं, हार्डली 1% के आसपास रिस्क होगी। यहाँ से आप जो 20 दिनों के एवरेज है जो करीबन 1890 1900 के आसपास ये टारगेट मान के चल सकते हो, सो यार रिस्क रिवॉर्ड मुझे डिसेंट लग रहा है। और मैं आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहे तो छोटे स्टॉप लॉस से जस्ट 1240 के नीचे 1239 1239 1238 ये स्टॉप लॉस रखिए, लॉन्ग जाइए, स्टॉप लॉस बड़ा मत रखिए, और आप एक पुल बैक के हिसाब से प्लान कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 1270 1275। ठीक है, डन सर। दो शेयर और हैं सर, बजाज ऑटो, टाटा कम्युनिकेशन, ये वीक शेयर हैं यानी कि आज के शॉर्ट हैं, इन दोनों पे कोई ट्रेड है तो बता दीजिए, फिर हम आपकी ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे। बजाज ऑटो और टाटा कॉम। तो डिम्पी जी बजाज ऑटो में इसलिए ड्रॉप करूंगा शॉर्टिंग लिस्ट से, हालांकि ऑटो कमजोर है, एमएनएफ में भी क्लियर कट कमजोरी नजर आ रही है, मैं ड्रॉप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बजाज ऑटो की वीकली टाइम फ्रेम काफी स्ट्रांग है, तो मैं थोड़ा और वेट करूंगा। टाटा कॉम में एक सेल ट्रेड डेफिनेटली लिया जा सकता है, अगर हम देखें अभी ऑलमोस्ट हम 1910 1915 के रेंज के बीच ट्रेड कर रहे हैं, आज का जो हाई बना है 1955, तो मेरे हिसाब से आप इसमें थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखो तो स्टॉप लॉस आप करीबन 1935 तक लगा सकते हो, जस्ट ऊपर 1936 1937, तो अब का जो टारगेट होगा वो 1870 का होगा। ठीक है, 1870 तक ही आ सकता है सर। एक आपके जो ट्रेडिंग कॉल है उसमें से एक आईटीसी कॉल देना चाहते हो या कोई और भी है? अगर आईटीसी है तो स्टॉप लॉस टारगेट दे दो उसका बस। जी डिम्पी जी मेरा ट्रेड सिर्फ आज के लिए आईटीसी ही होगा, और ये मैं प्योर प्योरली डिफेंस प्ले के हिसाब से, एंड डिफेंस प्ले एक डिफेंसिव सेक्टर के हिसाब से देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 492 492, टारगेट होगा 510 510। ठीक है प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, हमने ट्रेड जितने लेने थे आपसे ले लिए, ये सभी सभी ट्रेड आपको कल हम रिपोर्ट कार्ड में दिखाएंगे। आज चर्चा कम हुई लेकिन सौदे फिर भी आपको मिले, इन सब का बेनिफिट आप कल ज़रूर लीजिएगा। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, खांसी आप।